हरियाणा एट टाइम पीएम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर अपडेट। खरगोदा का सिद्धार्थ दहिया रेडियोलॉजिस्ट बनकर लौटा, बोले जनसेवा को देंगे प्राथमिकता। बिरला स्कूल डायरेक्टर एवं खिलाड़ी कुलदीप पहलवान के लड़के सिद्धार्थ दहिया की रेडियोलॉजिस्ट की पढ़ाई पूरी हो गई है। वे अब रेडियोलॉजिस्ट बनकर भोपाल से खरगोदा लौटे हैं। खरगोदा पहुंचने पर उनका बिरला स्कूल में सम्मान किया गया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस कामयाबी में उनके पिता कुलदीप पहलवान व मां निर्मला का विशेष योगदान है। उन्होंने बताया कि चौथी से दसवीं कक्षा की पढ़ाई वर्ष 2008 तक उनकी राय स्पोर्ट्स स्कूल में हुई। बारहवीं कक्षा बायो के माध्यम से दिल्ली से पास की। इसके बाद उन्होंने MBBS के एंट्रेंस में 37वां रैंक लिया और PGI रोहतक से उन्होंने MBBS की पढ़ाई की। वर्ष 2018 में उन्होंने MD रेडियोलॉजिस्ट में भोपाल में दाखिला लिया। अब उनकी रेडियोलॉजिस्ट की डिग्री पूरी हो गई है। उनकी तमन्ना है कि वे एरिया के लोगों की भलाई के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ वे खेलों में भी रुचि रखते हैं और विभिन्न एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी लगातार हिस्सा लेते रहते हैं, इसलिए आज के छात्रों को खेलों के साथ साथ दूसरे कार्यकलापों में भी हिस्सा लेना चाहिए और अलग से बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए। सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ और सभी का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ भैया है, पिताजी का नाम कुलदीप सिंह है और मैं मटिंडो गाँव का निवासी हूँ। और ये मेरे पिताजी का सपना था बचपन से ही कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूँ, और उसके बाद इनका ये सपना था कि सबसे अच्छा डॉक्टर बनूँ। तो उसके दौरान इसमें मेरा MD में रेडियोलॉजी में चयन हुआ और रेडियोलॉजी विभाग में इसकी शुरुआत बचपन से ही मेरे पिताजी ने कर दी थी। जब मैं राई स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ तो दसवीं कक्षा तक मैं राई स्कूल में पढ़ा। उसके बाद 11वीं 12वीं में दिल्ली में कोचिंग के साथ सतगुरु पब्लिक स्कूल में पढ़ा। फिर 2011 में मेरा PGIMS रोहतक में MBBS में एडमिशन हुआ। उसके बाद 5 साल वहाँ पर पढ़ाई करी। उसके बाद 2018 में मेरा रेडियोलॉजी में भोपाल में एडमिशन हुआ। 3 साल मैंने वहाँ पढ़ाई की। आज इतने लंबे संघर्ष के बाद मैं गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं एक MD डॉक्टर हो गया हूँ और मेरी स्पेशलिटी रेडियोलॉजी है। और ये जो स्पेशलिटी है इसका मेन फंक्शन है कि जो हमारी बीमारियाँ हैं शरीर में उनकी जांच जो विभाग करता है वो रेडियोलॉजी विभाग है। जिस प्रकार से इसके अंडर CT स्कैन MRI अल्ट्रासाउंड कोई भी डॉक्टर इलाज करने से पहले बीमारी के बारे में जानना चाहता है, उस चीज़ की जानकारी के लिए रेडियोलॉजी काम आती है। जैसे कोई भी बीमारी का इलाज करने के लिए पता होना जरूरी है कि कौन सी बीमारी है। उस बीमारी का पता इन्वेस्टिगेशन से चलता है और वो इन्वेस्टिगेशन होती है अल्ट्रासाउंड CT स्कैन और MRI। तो इन सब की पढ़ाई के लिए 3 साल मैंने मेहनत की है और आज मैं अपने पिताजी का सपना पूरा कर दिया है। और मेरे पिताजी का यही सपना है कि आगे भी इस इलाके में रह के सेवा देते रहें। और मैं अपने आप में इस बात से गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे पिताजी ने इस इलाके में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए और हर परिवार से कोई डॉक्टर निकले, इंजीनियर और NDA जैसी उनमें सर्विस दे, आर्मी में देश की सेवा के लिए सर्विस दे, उस चीज़ के लिए आज बिरला चिल्ड्रन अकेडमी ने NDA की कोचिंग का और NEET की परीक्षा की कोचिंग का यहाँ शुभारंभ किया है। ये चीज़ बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हम इस इलाके की सेवा में लगे रहें, यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ाते रहें और ऐसे ही अपनी सेवाएं देते रहें। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए एक ही संदेश है कि जिस पथ पे चल पड़ो उस पे लगे रहो, मेहनत जरूर मिलेगी। बस मेरे पिताजी भी यही कहते थे, बेटा जिस चीज़ में लग जाओ नंबर 1 बन के निकलना। और यही संदेश युवाओं के लिए कि आज के दिन में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो बस अपने हार्डवर्क करते रहें, आज नहीं कल सफलता जरूर मिलेगी। ये मेरी वाइफ डॉक्टर दीपिका हैं और ये भी गायनोकोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं, जो भी महिला रोग विशेषज्ञ जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में, लेडीज़ की जितनी भी समस्याएँ रहती हैं। और हम दोनों ने यही ठाना है कि आगे चल के हम अपने इलाके में सेवाएँ देंगे और इस इलाके को गौरवान्वित करेंगे, इस इलाके का नाम आगे बढ़ाएंगे। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।